हेलो गाइस, चंद्र देवी मौर्य ब्लॉक में आप सभी का स्वागत है। प्यार भरा नमस्कार। आई होप कि सभी लोग अच्छे हों। देखिए, हमारे यहाँ का काली मंदिर है और शादी से पहले दूल्हा और दुल्हन का शादी का जोड़ा चढ़ाया जाता है काली माँ के स्थान पर। और काली माँ के स्थान पर हम लोग बाजे के साथ जाते हैं, अच्छा भी लगता है। देखिए, बाहर में सब नाचने गाने वाला भी है, वीडियो कैमरा कर रहा है। उधर डीजे भी आया है पर यहाँ नहीं आया है, उधर आगे लग गया है। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, सब अगल बगल गली का भी औरतें देखिए काली माँ के मंदिर में सब नाच रही हैं। यहाँ भी दो डांसर है बाजे के साथ में, रिकॉर्डिंग कर रहा है रिकॉर्डिंग वाला। हमारे यहाँ काली माँ के मंदिरों में औरतें और लड़कियों सब अपना डांस करती हैं। बिना चढ़ाए हुए जोड़ा दूल्हा को नहीं दिया जाता पहनने के लिए। देखिए, उसमें जोड़ा चढ़ाया गया है। और देखिए, मामी जी हैं जो नाच रही हैं। मामी जी हैं अपने भगिना का शादी में नाच रही हैं। देखिए, वहाँ वो काली मंदिर में हम लोग का सब दूल्हा दुल्हन का जोड़ा चढ़ाया गया है। और ये देखिए, दूल्हे की बहन है बीच वाली, जो कि तीन बहनें हैं, ये बीच वाली है जो नाच रही हैं। देखिए, बुआ जी हैं। नाचने गाने में मगन है। हमारे यहाँ शादियों में सब खुशी, इतना खुशी होता है कि पूछिए मत। कोई कहीं भी नाचने लगता है। और आप लोग के यहाँ कैसे मनाया जाता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और इसके बाद भी जाएंगे नहाने के लिए, जब हम लोग जाएंगे कपड़ा लेकर तब नहाएंगे। देखिए, ये दोनों देवरान जेठान है जो नाच रही हैं। देखिए, लगता है कि ये बस झूम कर गिर जाएंगी। लोगों को कहा जा रहा है कि बाहर आकर नाचिए, पर वही अंदर वाला मंदिर में लोग नाचने लगे हैं। मेन मंदिर है ये। देखिए, वो हम लोग के यहाँ सिंदूरा रखा गया है। शादी में मोहरी और सिंदूरा जरूरी होता है। देखिए, लोग बाहर भी नाचेंगी। इधर तो वो अपना डांसर लोग तैयार है। ये देखिए, ये दूल्हा है, अरे हम हैं, ये बुआ जी हैं, अरे मौसी जी हैं। दूल्हा रेडी हैं प्रसन्न करने के लिए। और देखिए, ये भगना है, साहब वल्ला बने हैं। देखिए, हम प्रसन्न करने, चाची जी पहले प्रसन्न करेंगी, इसके बाद जो बड़े बुजुर्ग हैं वो करेंगी, इसके बाद हम लोग जाएंगे। आप लोग के यहाँ प्रसन्न कैसा होता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। चाची हैं, लड़के दूल्हे की माँ हैं। देखिए, हम लोग का रस्म है कि दूल्हा को प्रसन्न करते समय पैसा दिया जाता है। देखिए, चाची 500 का नोट दे रही हैं। आज दूल्हा का जेब दोनों तरफ से गर्म हो जाएगा, ससुराली से भी और मायके से भी। देखिए, ठकुराइन है जो लड़ रही हैं कि और हमको पैसा दीजिए, प्रसन्न कराई। दूल्हा को 500 दी हैं तो हमको कम से कम से 100 रुपये दीजिए। और इनका बात कोई सुनबे नहीं करता है, पर ऐसे देना चाहिए, इसलिए कि ये लोग काम कराती हैं, इन लोग का हक बनता है। और ये देखिए, ये नानी जी हैं दूल्हे की, और ये प्रसन्न करेंगी और ऊपर से काजर भी करेंगी। बोली है कि नाती को हम काजर करेंगे,
सबको हंसने लगा कि भाई चलिए बचपन में भी आप ही की हैं तो शादी में भी आप ही कीजिए। देखिए नानी जी भी 100 रुपया देकर प्रसन्न करने लगी हैं। और ये दुल्हे साहब तो बड़ी खुश हैं ससुराल जी के नाम पर। अंधेरा हो गया है हम लोग को बारात सजने में। देखिए अभी नानी जी काजर करने लगी हैं अपने नाती को, यानी देवर जी हैं हमारे, और आज दुल्हा बनकर चले हैं ससुरारी। देखिए उनको दही गुड़ नानी खिलाई हैं। देखिए नानी जी काजर करनी है, अरे बोल रहे हैं कि दम थोड़ा सा कीजिएगा कि ताकि फैले ना। नानी जी पीछे टीका भी लगा रही हैं। इसके बाद तो ठाकुराइन नहीं बोली है, इसलिए कि अपना ठाकुराइन को काम भर पैसा दे दिया है। ये दूसरी साथी है जो परसने जा रही है। ये 200 रुपया दी है। देखिए इनका भी हो गया है। हमारे यहाँ लोढ़े से परछाता है दूल्हा, और दुल्हन भी आएगी तो लोढ़े से परछाएगी। ये देखिए ये हमारी बड़ी मम्मी है, इनको सब कोई मास्टर राइन कहता है, इसलिए कि बड़े पापा जी हैं जो मास्टर हैं। और ये देखिए 50 रुपया लेकर परचन करने आई है। ये हमारे सबसे बड़ी सास है। इनके बाल भी ठकुराई नहीं बोली है, इसलिए कि ठकुराइन को दे हैं ज्यादा ही। देखिए बुआ जी हैं, एक ही बुआ है, ये लोग 5 भाई बहन हैं पर बुआ एक बुढ़े हैं। देखिए ये भी 500 का नोट चिपका दी। दुल्हा का जेब तो आज गर्मे गर्म है जी। ये हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। देखिए अब मेरा नंबर आ गया है, हम तो भाई उरी का टीका लगाएंगे। सब लोग दुल्हा को दही और चावल का टीका लगाया, हम तो रोरी लगाए हैं, रोरी और दही। मेरा भी 5 पैसा कम ही था जो कि सबका देख रहे हैं, मेरा भी 100 रुपया है। अभी ठाकुराइन को दिलाएगा, ठाकुराइन पैसा नहीं देने पर लोढ़ा नहीं देती है परछने के लिए। ये हम लोग के यहाँ का मतलब पारंपरिक है, दुल्हे को इसी तरह परछ कर हम लोग विदाई करते हैं। और आप लोग में कैसे होता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे यहाँ दुल्हा का कैसा लगा शादी। आपको तिलक भी शेयर किए हैं और हल्दी, और देखिए आज ये बारात है और जो हम लोग काली माँ के पास कपड़े चढ़ाते हैं वो भी किए हैं। आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि कैसा लगा। और ये देखिए मौसी जी हैं अभी परछने गई हैं। इसके बाद जो अपना अगल बगल की हैं वो परछेंगी, जिसको मतलब जो देना होना हो देंगी। लेकिन ये मौसी हैं, वीडियो अच्छा लगता है
तो लाइक कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करना आप लोग मत भूलिएगा, इसलिए कि सब्सक्राइब का कोई चार्ज नहीं लगता है। आप लोग का सपोर्ट ज़रूरी है, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, सब्सक्राइब का कोई चार्ज नहीं है, प्लीज़ आप लोग कर दीजिएगा। देखिए दुल्हा का गाड़ी है, हम पीछे से लिए हैं, नाइट के समय हो गया ना, ये पूरा सगवा अंधेरा है, बच्चा पार्टी है मेरे पीछे सब हंस रहा है। बाय, उन लोग भी बोल रहा है बाय। देखिए